दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके के खैबर पास में जो जमीन थी उसको अब यहाँ पर जो अवैध मकान बने हुए थे उनको ढाया जा रहा है। ये जो जमीन है बताया जा रहा है कि इस पर 80 साल से लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे। इन जमीनों को आर्मी के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने दलियों को दिया होता, उसके बाद यहाँ पर कब्जा किया गया था। बता रहे हैं लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस पर इन जमीनों को खाली किया जा रहा है। रविवार की सुबह 6 बजे के आसपास जो MCD है वो यहाँ पर पहुंची थी। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने इन लोगों को पहले से नोटिस देती आ रही थी, उसके बाद 2 दिन पहले आखिरी नोटिस दिया, घर खाली करने के लिए किया। कुछ मकानों पर स्टे मिल गया, उन मकानों को छोड़ा गया, लेकिन जिन मकानों पर स्टे नहीं मिला था कोर्ट की तरफ से, उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आप देखेंगे कि यहां पर इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। 32 एकड़ में ये पूरे अलग अलग लोगों के घर बने हुए हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, पूरा कई हजार लोग इस इलाके में यहां पर रहते हैं, लेकिन अब इन लोगों को तोड़ा जा रहा है घरों को, और जिससे जो यहां पर लोग रह रहे थे वो अब बेघर हो गए हैं, उनको सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। इस तरीके की बातचीत की जा रही है, ये लोग पूरा परिवार है जो यहां पर है। आपके भी घर को बुलडोजर से गिराया गया? अभी नहीं गिराया, गिराएंगे। गिराएंगे, हाँ। क्या कहा था, क्या क्यों गिरा रहे हैं, क्या बोला था? अनऑथराइज्ड जगह सारी। अच्छा। और मैं 70 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, और मेरा कोई कमाने वाला घर में कोई नहीं है, और मेरी बेटी आई हुई है वो भी रह। नोटिस दिया था इन्होंने खाली करने का कब? 31 तारीख को दिया है, 5 दिन का नोटिस दिया है, 5 तारीख तक का। सामान निकालने का मौका दिया नहीं दिया? नहीं, मौका तो क्या दिया, अब निकाल रहे हैं, बैठे थे कोई रोड पे सामान रख के, क्या करें। आंखों में आंसू है लोगों के, घर टूटने का गम काफी ज्यादा होता है। क्या कह रहे हैं कि अवैध बता रहे हैं घर को तोड़ रहे हैं? हमारा घर अवैध नहीं है, हमें ये कंपनी जो हमारे फैंसी मिल बिल्डिंग है इसमें हमारे को एक क्वार्टर दिया हुआ था, 10-12 लोगों का क्वार्टर था। उन लोगों को हमारे कंपनसेशन में जब ये मिल बंद हुई थी 1978 में, तभी उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने हमें कंपनसेशन में ये क्वार्टर हमें दे दिए थे। कोई डॉक्यूमेंट हमारे को नहीं दिया बना के, लेकिन बोला कंपनसेशन में ये रखो, 1 महीने की सैलरी दे के हमारे फादर को और बाकी जो भी एम्प्लॉयज थे सबको उन्होंने हटा दिया था और कारखाना बंद हो गया था। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ रहे हैं 5-7 साल 10 साल के बाद में हमें बिजली पानी, हमें बोला गया कि बिजली पानी ले लो, 50-60 रुपए किराया हम देते रहे और जो करते रहे, फिर उन्होंने किराया चार्ज करा, हमने किराया दिया। जब हम लोगों को बिजली के बिल चार्ज इन्होंने बोला कि बिजली हटा दे, आप लोग अपनी लगा लो, तो बिजली हम लोगों ने अपनी लगाई, पानी लगाया, मीटर, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब हमारे बने हुए हैं। उतने पुराने 1948 में मेरे फादर यहाँ आ गए थे, 1948 के बाद से मेरे फादर यहाँ थे, आज उनको डेथ हुए 24 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी मदर के पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, कोई इनके पास और नहीं है, मैं एक अकेले इनको देखने वाली हूँ, और मैं यहाँ पर इनके साथ रह रही हूँ पिछले 18 साल से, उसके क्योंकि ये हार्ट पेशेंट है। उसके बाद में ये ना इन कोई कमाई का जरिया ना कुछ, मैं जो कमा के करके मैंने एक एक पाई जोड़ के मैंने घर रहने लायक थोड़ा सा रखा कि चलो इसमें हम लोग 2-3 लोग 4 लोग जो हैं रहेंगे, लेकिन उसके बाद में आज अचानक से आके एक दिन पहले 3 दिन पहले आके इन्होंने वो दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया कि ये आप लोग 5 तारीख तक खाली कर दो, और आज सुबह 6 बजे इन्होंने पुलिस फोर्स आ गई और सारी लाइटें वाइटें बंद कर दी, 5 बजे से लाइट काट दी, पानी वगैरह सब बंद कर दिया गया है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ का है 62 का, और मेरे फादर फैंसी सिल्क मिल स्मॉल बीविंग वेयर मिल खैबर पास सिविल लाइन में मैनेजर थे, और उसके बाद 78 में ये मिल बंद हो गई। ये मिल लीज पे थी, लीज ख़त्म होने के बाद 18 में इन्होंने केस करा, 18 में केस करने के बाद कोर्ट ने हमें 6 साल का एक्सटेंड दिया, जो आज 24 में ख़त्म हो रहा था। जो वहाँ के मालिक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें, जो हम वर्कर थे, हमें कोई सूचना नहीं दी, ना कोई हमें बताया, और अचानक ही तोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। और मेरे पास 1951 के पेपर हैं, 62 के सारे सरकारी पेपर हैं। और नाम अलॉटमेंट के? नहीं, सरकारी, जिसे जो हम रेजिडेंस में रह रहे हैं। अच्छा। पासबुक हैं, बैंक की, सब कुछ सरकारी है,
और आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि परिवार में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। ये जो घर हैं वो सारे तोड़े जा रहे हैं और अब ये सामान अपना सड़क पर लेकर के बैठने के लिए पूरा परिवार परेशान है कि अगर जाए तो जाए कहाँ। अकेली महिला है जिनके पति मर चुके हैं और इनका कहना है कि 48 से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब मिल बंद हुई तो उसके बाद इनको अलॉट किया गया था कंपनसेशन के तौर पर, कोई कागज नहीं दिए गए थे और अब इसको अवैध करा दिया गया। पूरा 32 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है और कई इसमें सैकड़ों मकान बने हुए हैं जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन सुबह आज 6 बजे के आसपास एमसीडी और पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर बुलडोजर के जरिए गिराने की कार्रवाई की गई। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ, आप देखेंगे ये जो मकान है ये आगे से तमाम मकानों को तोड़ा गया है और कई सारे मकान तोड़ करके अब यहाँ पर अवैध जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से तोड़ी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल लैंड जो है ये बता रहे हैं कि 32 एकड़ की जमीन है जिससे अब अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ जो सैकड़ों मकानों में हजारों लोग रह रहे थे आखिर वो लोग अब अचानक यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके सर पर जो लगभग 70-80 साल से छत थी वो अब छत छीनी जा रही है। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।